रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ओके, थ्री क्लास अपनी अपनी साइंस की बुक्स एंड कॉपीज ओपन कर लें। ठीक है, वी हैव डन रीडिंग ऑफ यूनिट टू, टॉपिक नंबर वन, पेज नंबर 10। टॉपिक वन की रीडिंग कर चुके हैं हम। ठीक है, टॉपिक टू पेज नंबर 12, इसकी रीडिंग कर चुके हैं हम। टॉपिक थ्री पेज नंबर 14, हम इसकी रीडिंग भी कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ पेज नंबर 15, इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आप अपनी अपनी कॉपीज ओपन कर लें। ठीक है, आंसर दीज क्वेश्चंस, आंसर दीज क्वेश्चन, व्हाट इज़ आ लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, इन व्हाट डिफरेंट वेज डू एनिमल चेंज एज दे ग्रो, कौन से ऐसे मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे एनिमल्स जो हैं चेंज होते हैं जैसे जैसे वो बड़े होते हैं। ठीक है, ये टू क्वेश्चंस जो हैं ये आपने कॉपी पे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप अपनी कॉपीज ओपन कर लें। थर्ड क्वेश्चन आप अपना इसको क्रॉस कर दें। ठीक है, ये आपसे रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, आप इसको ऐसे करें, ये आपकी एक्टिविटी है जो कि आपको स्कूल में ही मैं खुद करवाऊँगी। ठीक है, ओके, अब सबसे पहले अपनी अपनी कॉपीज ओपन करें, मार्जिन लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, फिर उसके बाद डेट मेंशन करें, क्लास वर्क मेंशन करें, यूनिट नंबर है आपका टू, द एनिमल वर्ल्ड, दुनिया, जानवरों की दुनिया, टॉपिक, क्वेश्चन आंसर, उसके बाद पेज नंबर मेंशन करें। पेज नंबर आपका कौन से पेज पे ये क्वेश्चन आंसर है, 15 पेज पे। ठीक है, तो आपने कॉपी पे पेज नंबर 15 मेंशन करना है। ठीक है, टॉपिक, क्वेश्चन आंसर, उसके बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ अ लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल क्या है। अ लाइफ साइकिल इज़ ऑल द चेंजेस दैट एन एनिमल गोज थ्रू फ्रॉम बर्थ टू डेथ। लाइफ साइकिल्स आपकी वो तमाम तब्दीलियाँ जो एनिमल्स में आती हैं उनके बर्थ, पैदाइश से लेकर उनके मरने तक। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन था आपका, इन व्हाट डिफरेंट वेज डू एनिमल्स चेंज एज दे ग्रो, कौन से मुख्तलिफ तरीक़ों से एनिमल्स चेंज होते हैं जैसे जैसे वो बड़े होते हैं। व्हेन एनिमल्स ग्रो, जब एनिमल्स बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, दे चेंज देयर शेप, वो अपनी शेप चेंज करते हैं, लाइक बटरफ्लाई। ठीक है, कलर एंड साइज। ठीक है, तो वो क्या क्या चेंज होती है, किसी की शेप चेंज हो जाती है, किसी के कलर चेंज हो जाते हैं एंड साइज। ठीक है, तो ये आपके टू क्वेश्चंस हैं जो आपने कॉपी पे नीट एंड क्लीन उतारने हैं। ठीक है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करके, डेट मेंशन करके इसको कॉपी पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर दैट जब आप ये क्वेश्चन कर चुके होंगे तो फिर आप अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लेना। ठीक है, पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 पे आपका ये क्वेश्चन है, क्रॉस पजल्स, ये आपको कुछ पजल्स दी हुई हैं, आपने इसके अकॉर्डिंग ही फिल करना है। ठीक है, अक्रॉस मतलब कि आपने, अक्रॉस का मतलब पता है, ये सामने सामने। ठीक है, डाउन, डाउन मतलब नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ, अक्रॉस ऐसे सामने। ठीक है, तो ये आपके टू क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7, ये आपने अक्रॉस में करना है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइफ साइकिल इज ऑल द डैश दैट एनिमल गोज थ्रू फ्रॉम बर्थ टू डेथ। लाइफ साइकिल्स वो आपकी तमाम डैश हैं जो एनिमल्स में आती हैं उनकी पैदाई से लेकर उनके डेथ तक। तो क्या है वो, चेंजेस, चेंजेस आती है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 4 था। अब यहाँ पे आप ढूंढें, ये आपको 4 नज़र आ रहा है, चेंजेस लिखना है ना आपने, तो यहाँ पे लिखोगे CHANGES, चेंजेस। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका क्रॉस में आ गया। ठीक है, सेकेंड देखिए, प्लांट 7 वाला है आपका, ये जो अक्रॉस में ये वाली आपको दिया हुआ है लाइन। ठीक है, प्लांट यूज डैश फ्रॉम द सॉयल टू हेल्प देम ग्रो, प्लांट्स क्या यूज़ करते हैं जो मिट्टी में चला जाता है एनिमल्स के, हेल्प देम टू ग्रो, बड़ा होने के लिए, तो वो आपके क्या है, न्यूट्रिएंट्स। ये आपने क्या लिखना है, आपने 7 नंबर पे जाके न्यूट्रिएंट्स की स्पेलिंग लिखने हैं, NUTRIENTS, क्लियर है। अब आपके ये तो दो क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपने क्रॉस में लिखने थे, अब सारे आपने डाउन में लिखने हैं, लाइक दिस। ठीक है, अब फर्स्ट आपका सबसे पहले क्या आता है, नंबर 1, नंबर 1 क्या है, बेबी हिप्पोज आर रियली स्मॉल व्हेन दे बॉर्न बट चेंज इन डैश एज दे ग्रो। बेबी हिप्पोज ऐसा एनिमल है कि वो जो पैदा होते तो वो स्मॉल होते लेकिन बट चेंज इन साइज, और लेकिन वो अपना क्या चेंज करता रहता है जब जैसे जैसे बड़ा होता है, साइज। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, 1। अब यहाँ से ढूंढो 1 कहाँ है आपका, ये है ना 1, साइज, SIZE, साइज। ठीक है, अब सेकंड है आपका,
एवरी लिविंग थिंग हैज़ आर लाइफ डैश, हर जानदार चीज़ की क्या होती है लाइफ साइकिल, साइकिल। अब ये कौन सा क्वेश्चन था, टू टू आपका ये लिखा हुआ है ना, सी वाई, अब सी तो ऑलरेडी आपके पास तो पहले से लिखा हुआ, तो दोबारा नहीं लिखना, सी वाई सी एल ई साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट देखें ज़रा, डैश लुक वेरी डिफरेंट व्हेन दे बिकम फ्रॉग्स, वो बहुत ही डिफरेंट लगता है ऐसी चीज़ जब वो फ्रॉग बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, टैडपोल, टैडपोल पहले बिल्कुल ही डिफरेंट होता है लेकिन जब वो अडल्ट हो जाता है तो वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इसमें टी ए आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है, डी पी ओ एल ई आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है, और एस टैडपोल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखें, अ बटरफ्लाई चेंजेस डैश एज इट ग्रोस, बटरफ्लाई क्या चेंज करता है जैसे जैसे वो बड़ा होता है, क्या करता है, शेप चेंज करता है, ये कौन सा क्वेश्चन है, फाइव। अब फाइव कहाँ पे आपका, फाइव आपका ये आ गया, ठीक है, एस एच ए पी ई शेप, ठीक है। फिर सिक्स क्वेश्चन देखें, अ चिक चेंजेस डैश एज इट ग्रोज इनटू अ हैन, चिक जो है वो अपना कल डैश चेंज करता है जैसे जब वो बड़ा होकर हैन बन जाता है, क्या चेंज करता है, कलर चेंज हो जाता है ना उसका, ये कौन सा है, सिक्स। तो सिक्स पे आप आ जाओ, सी ओ एल ओ, यू तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आर कलर, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस पजल कंप्लीट हो गया, ठीक है, दैट्स इट। अब आपका ये टॉपिक नंबर वन टू एंड थ्री आपका कंप्लीट हो गया और इसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए। अब टॉपिक नंबर फोर और उसके क्वेश्चन आंसर की रीडिंग और इसकी एक्सप्लेनेशंस और क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।